ਤਾਂ ਜੀ ਸੂਪ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੈਜ ਸੂਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੂਪਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਲੂਦਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਪਸ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਫਾਲੂਦਾ ਰਬੜੀ ਫਲੂਦਾ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੇ ਬਣਾਤਾ ਹੂੰ ਸੂਪ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਹਮਾਰਾ ਵੈਜ ਸੂਪ ਹੋਤਾ ਜੋ ਸਰਦੀਓ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਤਾ की खास गल है बाकी जगह भी ट्राई किया होगा बाकी वखरा टेस्ट है दिख भी दिखने में भी वखरा नेचुरल है पूरा इधर कुछ एडेड नहीं है बिल्कुल नेचुरल है इनू पीने तो बाद एनर्जी आ जाती है अनियन गार्लिक के बगैर सूप बनता है और इन्ना टेस्टी सूप है हेल्थी सूप है वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है इन्हों के अंदर जेडे मतलब पेशेंट वास्ते भी अच्छा है और अपनी रूटीन हेल्थ वास्ते भी वधिया है देखो आजाद टीवी न्यूज़ चैनल से मैं हूं विनू शर्मा इस समय असं चंडीगढ़ सेक्टर 32 डी पहुंचे जिथे गुप्ता सूप कॉर्नर फेमस है सूप बहुत फेमस है असी भी टेस्ट किया काफ़ी लजीज सीगा तो इस तो अलावा इन्हों का काला खट्टा गोला भी मिलते हैं इन्हों के चाप्स भी पकते हैं तो आप देख सकते हो फलूदा बन रहे सामने गुप्ता जी लगभग 4 साल हो चुके हैं तो दुकान में 12 साल हो चुके हैं खास मौके पर विपिन कुमार गलबात करते हैं थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी मैम जी मैम गुप्ता जी सूप फेमस है मोस्टली थोड़ा देखा सी वैज सूप असीं भी टेस्ट किया बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं बनाया पूरी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हो सूप्स भी बनते ने फलूदस भी बनाते हो चाप्स भी ने ते होर भी आइटम्स ने मैम जो हमारे पास ये आइटम है ना सारी हमारे अपने मेरे हाथ से बनी है कुल्फी फालूदा रबड़ी फलूदा मिल्क बादाम ये सब मैं अपने हाथ से बनाता हूँ सूप के टाइम पर हमारा वेज सूप होता जो सर्दियों के टाइम पर चालू रहता है गर्मियों में अकेला इस टाइम वेजिटेबल मिल रहा है और सर्दियों में वेजिटेबल टमाटो चना मशरूम ये 4 सूप हो जाते हैं चारों की क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत अच्छे बनाते हैं साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं अच्छी चीज़ बनाते हैं जिधर बरसात का सीज़न है कुछ काफ़ी दिनों तो बरसात हो रही है तो सूप ज़्यादा हूँ लोग इतने सूप की डिमांड ज़्यादा हूँ डिमांड हालांकि मूड तो डिपेंड है लोग शेक्स भी पी रहे हैं ये थोड़ा एनर्जी बूस्टर भी है थे मैम ये सूप मैंने वैसे तो बंद कर दिया था 15-20 दिन से जब गर्मी ज़्यादा होने लगी थी लेकिन जब से ये 2-4 दिन से बरसात चालू हो गई ना फिर सूप चालू कर दिया मैंने सूप का कस्टमर अच्छा आ रहा मेरा मेरे पास अच्छे कस्टमर है पहले आप मान लो रेहड़ी पे होते थे लेकिन 4 साल से मैं दुकान ले रखी है देखिए तो जिदा मैं साफ सफाई की गल की पूरा ध्यान रखो ग्लव्स पा के हर एक चीज़ हाइजीनिक है ना वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों की सेहत भी मायने रखती है बिल्कुल जी बिल्कुल सेहत पहले ध्यान रखी दा जी कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए कोई मक्खी वगैरह नहीं हो मान लो हर एक चीज़ का ध्यान पूरा रखे ने थोड़ी जी आइटम्स ने किनिया कि चप्स होया चप्स भी ने अलग अलग वरायटीज़ ने भावें सूप की गल है भावें फालूदा की गल है मैम सूप हमारा वेजिटेबल टमाटो चना और मशरूम होता है सर्दियों में जो मैं 1 सितंबर से चालू कर दूँगा और कुल्फी फालूदा हमारा होता है गर्मियों में जिसमें कुल्फी फालूदा रबड़ी फालूदा मिल्क बादाम और कई आइटमें दूध की हैं जो मान लो एक ये ड्राई फ्रूट शेक बना रहा है चालू करा मैंने इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है सोया चाप हमारी बहुत अच्छी है खोया कुल्फी हमने इस बार चालू करी है जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस है मैं तो जिदा एक असी एनर्जी बूस्टर भी पड़ रहे हैं सामने जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वास्ते है मैम ये सारा ये ड्राई फ्रूट है हमारे पास ये सारा हमने भिगो के रखे जिसमें देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स ने पूरी तरह भिगो के रखे ने सारा कुछ छुआरे किशमिश बादाम ये सारा ड्राई फ्रूट है इसके साथ हम चिया सीड्स रबड़ी और गूंद कतीरा डाल के देते हैं जो मान लो गर्म भी ना करे कस्टमर को वैसे तो हम एक दिन पहले भिगो के रखते हैं इसको भिगोने से मान लो इसकी गर्मी निकल जाती है तो कस्टमर को गर्म नहीं करेगा और पीने में बहुत लाजवाब टेस्ट है ताकत से भरपूर है अगर कोई बंदा ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ हफ्ते में 2 दिन ये पीता रहे तो ताकत एनर्जी पूरी आएगी उसके असं देख रहे हैं सारा काम खुद ही हैंडल कर रहे हो उधरली भी स्टॉल से जा रहे हो वाली स्टॉल से भी जा रहे हो तो यह चीज़ एक मल्टी टास्क लगता हालांकि थोड़े लड़के भी रखे ने पर कहने ना अपना हाथ जगरनाथ वो चीज़ ज़्यादा मैटर कर मैं ना चीज़ अपने हाथ नाल ही बना के पेश करने की
रखदा सोच के मैं अपने हाथ नाल ही कस्टमर नूं दवां। जदों ज़्यादा भीड़ हो जाती तो चाहे मैं मेरे बंदे मुलाजम दे दें, नहीं मैं ही कोशिश करदा कि मैं ही बना के दवां कस्टमर नूं। गुप्ता जी किन्ना को स्ट्रगल करना पाया, संघर्ष करता बहुत करना पाएगा इस मुकाम तक पहुँचने लिए। तुसी मेहनत की है, पूरा दिन खड़े होंगे हो ना, सारी चीज़ मैनेज, हर चीज़ नूं तुसी बैलेंस किया होया। मैम ऐसा है, जब आप आज से 4 साल पहले रेडी पे थे ना, तो बहुत परेशानी आती थी नगर निगम से, मान लो उठा ले जानी है रेडी। उसके बाद लाइसेंस बन गया, लाइसेंस में मान लो हमको जगह 29 सेक्टर में दे दी, वहाँ नॉन वेज का एरिया सारा, तो मैं नॉन वेज के बगैर ना, हम लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं, तो नॉन वेज की वजह से हमने फिर यही सोचा कि क्यों ना अपने 32 में ही रहा जाए, मार्केट बदल के जाएगा, एक तो कस्टमर टूट जाएगा, तो इसलिए मैंने 32 में ही लगाना दुकान ले ली किराए पे। दुकान पे काम अपना अच्छा है, तो हम आसानी ना लोगों ज़्यादा दिक्कत की लड़ नहीं होती, आसानी लभ लेंगे कि गुप्ता सूप कॉर्नर इतनी है। बिल्कुल सामने ही मेरी रेहड़ी लगती थी पहले, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सड़क सामने है, सड़क पे ही मेरी रेडी लगती थी, वहाँ मेरा कस्टमर अच्छा था, लेकिन वो सामने दुकान होने से ज़्यादा और मेरे पास अच्छा कस्टमर आया। तो हम केड़ी तुसी आइटम्स, जिदा सर्दी भी आ रही ने, हम हाले तक गर्मी चल रही ने, केड़ी आइटम्स तुसी होर ऐड करोगे मेन्यू कार्ड विच? मैम इस बार सूप में नई आइटम, मान लो यही स्वीट कॉर्न हो गया, मैंचो हो गया, ये 2-3 सूप मैं बढ़ाऊँगा, वैसे 4 सूप मेरे रेगुलर चलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਗੈਰ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਨੇ ਕੇ ਸੂਪ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਪੜਤਾ, ਤੋ ਉਹ ਚਨੇ ਕਾ ਸੂਪ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ, ਉਸਕਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਚਨੇ ਕਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ, ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਟਨੈਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਲਫੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਰਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ कोई मीठा नहीं है, 1 ग्राम मीठा नहीं है। कस्टमर अगर जैसे कोई मांगता है, भाई शुगर पेशेंट्स के लिए कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। जे कोई कस्टमर कहता भाई साहब मीठा डालना है, तो उसको शहद डाल देते हैं, ठीक है, अगर नहीं शहद नहीं खाता तो शुगर फ्री पाउच है मेरे पास, वो डाल के। बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी जे खाना होवे सूप, तुसी सूप पीना होवे, कुल्फी फलूदा खाना होवे, खास चीज़ का ध्यान रखना, इतने इन्हों का साफ सफाई का भी ध्यान रखा हुआ है, फिटनेस कॉन्शियस हैगी, घट मिठा खाते हो, ज़्यादा मिठा खाते हो, हर किस्म की क्वालिटी मिलेगी तुहानू सैक्टर, पर उसके लिए तुहानू जाना पेगा सैक्टर 32D चंडीगढ़ में, जो कि गुप्ता सूप कॉर्नर नाम तो फेमस है, काफ़ी फेमस दुकान है, जिन्हों भी पुछो तुहानू आसानी से दस देगा। मार्केट में ही इन्हों की शॉप है, तुसी देख सकते हो, असीं उससे मौजूद, मैं खुद सूप टेस्ट किया तो मैंने तो बहुत चंगा लग्या। तो जिहड़े लोगों को नहीं पता था गुप्ता जी के मूँह से, उन्होंने एड्रैस तुम जेकर किसी ने विजिट करना होगा तो लोगों को एड्रैस दस दो। मैम गुप्ता सूप कॉर्नर, बूथ नंबर 322, 32D में सामने वाइन शॉप है, शराब का ठेका उसके बिल्कुल अपोजिट है दुकान, कॉर्नर की दुकान है गुप्ता सूप कॉर्नर, वैसे नियर बत्रा टायर भी है, बत्रा टायर और शराब का ठेके बिल्कुल आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो तुम भी आओ सैक्टर 32D गुप्ता सूप कॉर्नर से, सूप एक्सप्लोर करो, आइसक्रीम्स खाओ, कुल्फी खाओ, फलूदा खाओ, चाप्स खाओ, हर किस्म की आइटम तुम्हें इतने मिलेगी, इवन एनर्जी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी मिलेगा, जिन्होंने तुम दिखाया गया, देखो ड्राई फ्रूट्स ने पूरी तरह भिगो के रखे हुए हैं, पूरी साफ सफाई का ध्यान रखे है। ताज़ा अपडेट्स लिए बने रहो आज़ाद TV न्यूज़ नाल।